हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे किस तरह से किसी भी प्लान का 3D बनाते हैं, लेकिन वो 3D कंप्लीट 3D नहीं थी। उसमें सिर्फ हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वॉल ड्रॉ करते हैं और डोर और वॉल की कटिंग करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से डोर लगाते हैं और किस तरीके से विंडोज सेट करते हैं इसके अंदर, और डोर 3D में खुद का डोर कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इसको एक वन फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे कॉपी कैसे करते हैं। तो एक वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लाइक लॉन्ग होगा, लेकिन अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि कई नई ढेर सारी कमांडें आपको बताने वाला हूँ, ऐसी कमांड जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं टॉप में जाना चाहूँगा, क्योंकि टॉप में कोई भी डायग्राम बनाना, कोई भी विंडो डोर बनाना बहुत इजी रहता है, और यहाँ पे वायर फ्रेम कर देना चाहिए विजुअल स्टाइल बॉक्स में और व्यू कंट्रोल में टॉप कर देना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेके यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। हमको अभी अभी चाहिए डोर, सबसे पहले चलिए विंडो बनाते हैं। तो हमको विंडो चाहिए 5 फीट टैप 4 फीट का, इस तरीके से। अब इस विंडो को हमको एस्थेटिक व्यू अच्छा से देना है, अपीयरेंस अच्छे से देना है, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट कर दीजिए। ऑफसेट कर दिया हमने 2 इंचेस का, जो उसके फ्रेम का साइज होता है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके मिडिल से अब जैसा भी आपको डिजाइन देना है वैसे ही सेलेक्ट करिए इसको। सेलेक्ट करके ऑफसेट कमांड, सब कुछ हमने 1 इंचेस इधर की ओर दे दिया इसके फ्रेम को डिस्टेंस, एंड 1 इंचेस इधर की ओर, और मिडिल लाइन को हमने इरेज कर दिया। तो दोस्तों, अब मुझे यहाँ पे अच्छा सा कोई लुक देना है, तो लुक देने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग यहाँ से जाइए आर्क पे जाके स्टार्ट इन रेडियस लिया, और स्टार्ट इन रेडियस लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं और फिर सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, और हमने थोड़ा सा कुछ लुक देने की कोशिश किया, और इस तरीके से हमने एक तरफ का पॉइंट बनाया। फिर सेलेक्ट करके अगर हम इसी का मिरर करा दें इधर की ओर तो काफ़ी अच्छा होगा। एक तो हमें एक मिड पॉइंट चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा। सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं या MI शॉर्टकट की डाल के इंटर कर सकते हैं। ऑर्थो को ऑन रखिएगा जिससे कि प्रॉपर सेट हो जाए। तो हमने एक तरफ के विंडो को इस तरीके का साइज दिया, और फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हमने मिरर करा दिया इस तरीके से, और ये हमारा ये भी हो गया। मीन्स हमारा जो मेन विंडो है ये इस तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, एक विंडो और है हमारे पास, जो विंडो हमारे पास यहाँ के लिए है ये 4 फीट का होगा। तो 4 फीट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको स्केल कर सकते हैं, या चलिए मैं आपको दूसरी डिजाइन बना के दिखाता हूँ। दूसरी डिजाइन के लिए एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेके क्लिक करते हैं, और यहाँ पे 4 फीट टैप 4 फीट इस तरीके से हमने बना दिया। इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके ऑफसेट कर लिया 2 इंचेस का। इसको कुछ अलग टाइप से बनाते हैं, और इस तरीके से 1 पॉइंट सेकेंड पॉइंट सेलेक्ट किया, ऑफसेट दे दिया यहाँ पे 1 इंचेस दिस साइड, 1 इंचेस दिस साइड, और हमने इसको डिलीट कर दिया। अब इसके बीच में डिजाइन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में उस तरीके से आप डिजाइन बनाइए। मैं सोच रहा हूँ इसके बीच में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके का रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसका मिरर करा देता हूँ। मिरर इसमें एक्चुअली 3D में यहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदरवाइज MI इंटर शॉर्ट करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको मिरर करा दिया। तो हमारे पास 2 विंडो हो गए। अब चलिए एक डोर भी बना लेते हैं। डोर क्यों, क्योंकि सामने फ्रंट पे डोर भी है। तो डोर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस डालेंगे 3.5 फीट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर टैब बटन दाब के फिर 7 फीट, इस तरीके से हमारे पास एक डोर है। डोर के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ऑफसेट ले लिया हमने 2 इंचेस का फ्रेम का, और 2 इंचेस इस तरीके से हो गया। इसके बाद चाहे तो हम आर्क भी यूज कर सकते हैं, 3 पॉइंट आर्क। आप जरूरी नहीं कि आप आर्क ही यूज करिए, कोई भी कमांड जो भी आपको लगे कि मैं इससे डिजाइन बना सकता हूँ उससे आप बना सकते हैं। और इसके बाद इधर से भी एक आर्क पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट, और उसके बाद थर्ड पॉइंट, इस तरीके से लगा दिया।
दोस्तों वैसे तो यहाँ पे इनर साइड में भी आपके पास वॉल हैं और यहाँ पे डोर भी है और ये अपना विंडो भी है, बट इनर साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसको कॉपी कराने वाले हैं ऊपर की ओर। तो आप चाहें तो इनर साइड का भी लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा होता है कि आप ASW आइसोमेट्रिक में जाइए और यहाँ पर जाने के बाद प्रेस पुल कमांड लीजिए। यहाँ पर भी प्रेस पुल होती है या शॉर्टकट की भी लगा सकते हैं आप। प्रेस पुल कमांड लेने के बाद ये देखिए आप जैसे प्रेस पुल करके जाते हैं और यहाँ पे तुरंत ये देखिए क्या होता है, ये बोलता है कि कितना 3D व्यू इसका ऊपर उठाना है। तो हमने सबसे पहले इस साइड को लिया और इसको लेके हमने इसको दे दिया 3 इंचेस, और इसके बाद इसको लिया और इसको लेके हमने दे दिया 2.5 इंचेस, और इन सबको थोड़ा थोड़ा करा दिया मीन्स 1.58, 1.58। ये मैं डिजाइन दे रहा हूँ तो आप जैसा भी डिजाइन देना चाहे दे सकते हैं, 1.58, 1.58। उसके बाद यहाँ मिडिल में आइए, मिडिल में आके हम लोग यहाँ पे दे दिया हमने 2.2। अलग अलग दिखेगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या है। अब देखिए इस तरीके से हमने 3D बना लिया है, अभी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा बट पहले मैं जल्दी जल्दी से इसको ही बना लेता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर से अगेन प्रेस पुल कमांड लिया। प्रेस पुल कमांड लेने के बाद चलिए इनको पहले ही कर देते हैं 1.5 इंचेस, 1.5 इंचेस, 2 इंचेस, 2 इंचेस, 1.58 इंचेस। इस तरीके से हमने बना दिया। और फिर इसके बाद अब ये इसका इनर साइड हमने रखा 2 इंचेस, 2 इंचेस, 1.5 इंचेस, 1.5 इंचेस, 1.5 इंचेस, 1.5 इंचेस। और फिर हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया हमने 1 इंचेस, 2 इंचेस, और कंप्लीट हमारा 3D बन गया। आई थिंक सबका हो गया। हाँ, अब इसको हम लोग देखेंगे रियलिस्टिक व्यू में तो कैसा दिखेगा। हमको ये यहाँ पे रियलिस्टिक में जाएंगे और रियलिस्टिक में जाके देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिख रहा है, जिसमें हमको कलर कॉम्बिनेशन में समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर कहाँ पे लगा है, तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। राइट, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अभी तो हम इसको लगाने के यहाँ लगा सकते हैं, बट अच्छा ये होगा कि हम इनको कलर कॉम्बिनेशन लगा दें। तो यहाँ पे आप MAT मटेरियल करके कमांड होती है, इसको लगाइएगा। इसको जैसे ही लगाएंगे आप तुरंत आपके सामने एक मटेरियल का बॉक्स खोल के आ जाएगा, जिसमें आपको जो मटेरियल देना हो वो मटेरियल आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सेरामिक चाहिए, देखिए जैसे आपके कॉलेज में लाइब्रेरी होती है वैसे यहाँ पे भी एक मटेरियल लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप जो कमांड चाहे वो कमांड यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बाकी तो आपके पास ऑलरेडी बहुत ढेर सारे कलर हैं यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेरामिक का कलर हमने मान लीजिए लगा दिया पार्टीशन पे इस तरीके से, ये देखिए अब आपको ये क्लियर दिखने लगा। ठीक है, बट हम ये नहीं लगाएंगे, हम कुछ और लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे बूट लगाएंगे, बूट स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो यहाँ पे बूट स्ट्रक्चर लेने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दिया, ये देखिए बूट स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम लोग इसके बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे हमने ये कलर डाल दिया बूट के प्लाई पे, और इनर की ओर हम यहाँ पे ग्लास डालना चाह रहे हैं, ग्लास का कलर डालना चाह रहे हैं तो इधर नहीं डालते। चलिए इस पे आइए, इस पे आने के बाद यहाँ पे भी क्लिक किया और इसको पार्टीशन पे डाल दिया हमने फटाफट। और पार्टीशन पे डालने के बाद इनर के लिए हमने दूसरा प्लाईवुड का कलर चेंज किया, और फिर मिडिल में हमने इस तरीके से डाल दिया। कुल मिला के मैं आपको दिखा रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन, और जो भी आप डालना चाहो कलर कॉम्बिनेशन वो आप डाल सकते हो इस तरीके से। हमने डाल दिया,
यहाँ पे देखिए थोड़ी सी शायद प्रेस पुल में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये कम और ये ज़्यादा हो गया, तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है। अभी मैं थोड़ी देर में ठीक कर देता हूँ इसको, प्रेस पुल करना पड़ेगा 1 इंचेस नीचे की ओर। कर ही देते हैं, प्रेस पुल करिए इसको, क्योंकि बराबर रहेगा तभी अच्छा दिखेगा। 1 इंचेस, चलिए कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लिए भी आपको जो कलर डालना हो कलर डाल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और बीच में येलो कलर ही रह देते, यहाँ पे कलर बदल देते हैं, बीच में येलो कलर ही रहने देते तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ से कलर दूसरा ले लेते हैं इस तरीके से। और हमारा ये कंप्लीट डोर विंडो बन गया, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा ये कितना मज़ेदार है। आप इस तरीके से बहुत जल्दी बना सकते, इसमें सॉरी इसमें बचा हुआ है, तो इसमें मुझे अगर मटेरियल लगाना है, जैसे कि मुझे स्टोन लगाना है इसके यहाँ पे, तो स्टोन लगाने के लिए देखिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे आपको स्टोन मिलेंगे। और स्टोन लेने के बाद यहाँ पे स्टोन को आप क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ पर रख दीजिए। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ग्रीन वाला, तो ग्रीन स्टोन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का स्टोन हमने लगाया, और यहाँ पे भी हमने इस तरीके का स्टोन लगाया। चलिए, और यहाँ पे भी हम कुछ बदल देते हैं यार, तो हमने यहाँ के लिए हमने ले लिया स्टोन कुछ ये वाला इस तरीके से। और ये लेने के बाद हमने इस तरीके से चेंज किया, और चेंज करके बंद कर दिया इसको यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबको हम लोग जल्दी से एक करते हैं और एक करके अलाइनमेंट लगा देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे यूनियन कमांड होता है, यूनियन कमांड मींस सबको एक कर देना, और यूनियन कमांड लेके सबको सेलेक्ट करिए और इंटर कर दीजिए, तो ये यूनियन हो जाएगा। जैसे हमको इसको डोर को प्लेस करने में आसानी रहे, इसको भी हम यूनियन कर दिया हमने। और उसके बाद फिर से हमने यूनियन कमांड लिया, यूएन इंटर भी कर सकते हैं आप, और ये करके हमने इंटर कर दिया। अब इनको हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो प्लेस करने के लिए सबसे पहले इनको सेलेक्ट करते हैं, और इनको सेलेक्ट करके रोटेट कमांड, आप देखिए 3.5 फीट का मैंने लगाया, तो आप 3 फीट का अलग से बना के यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मत सोचिएगा सर ने अंदर नहीं लगाया, इसमें अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको उसको कॉपी करना है। इसको हमने इस तरीके से किया, और फिर हमको अगर आपको AL कमांड नहीं पता, अलाइन कमांड, AL इंटर, और ये लेने के बाद यहाँ पे बोला जाता है कि आप पिक पॉइंट करो, कौन से पॉइंट को करना चाहते हो पिक, और उसके बाद बोला जाता है कहाँ पे रखना चाहते हो, तो मैंने बताया कि मुझे यहाँ पे रखना है एक जेट, और इंटर कर दिया हमने। ये देखिए आपके पास, देखिए तुरंत डोर आ गया, इससे अच्छा प्लेसमेंट आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना जल्दी फास्ट हो जाता है। और इसके बाद हमने इस डोर को सेलेक्ट किया, विंडो को, और विंडो को लेकर हमने फिर से रोटेट किया इसको। देखिए रेड एक्सिस को अच्छे से करिएगा, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो आप इतना जल्दी नहीं कर पाओगे। AL इंटर, और इस तरीके से यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, जिसमें बहुत ही अच्छा इसमें व्यू दिखाऊंगा, रेंडर, कैमरा, लाइट, वो भी सोचा है मैंने। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा बनते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, प्लस मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है यार। कोई भी हो, अगर हमको कोई काम मिलता है कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इसको इतना शेयर करिएगा कि मैं आगे भी इसके भी बहुत इसको मैं स्टैट प्रो पे, ई टैब पे, हर जगह लेके जाने वाला हूँ, और कंप्लीट मॉडल करने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें। आप देखेंगे कि रियल प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, ये मेरा एक प्रोजेक्ट ही है, मेरे एक दोस्त का है, तो आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया सबको, हमारे पास डोर हो गया, विंडो हो गया, ये हो गया। अब आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी लगा दो, और यहाँ पे भी लगा दो, कुछ नहीं करना, इसी को कॉपी करके आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मुझे इसको सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है, तो सेकंड फ्लोर पे ले जाने से पहले मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसकी डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी, इसलिए वॉल को पीछे तक करना चाहिए हमको। जैसे दिखाता हूँ, यहाँ टॉप में जाइए, और टॉप में जाके
वायर फ्रेम कर दिया, वायर फ्रेम नहीं ऐसे ही करते हैं, आइसोमेट्रिक में अच्छा रहेगा क्योंकि समझ जाएगा। और यहाँ से हमने प्रेस पुल कमांड लिया, और प्रेस पुल कमांड लेके इसके वॉल को हमने पीछे तक कर दिया। इसके भी वॉल को हमने देखिए ऐसे करेंगे, अब देखिए जैसे प्रेस पुल रीड कर लेगा तुरंत उसको कर देगा। उसका फायदा ये होगा कि हम सामने जो वॉल वॉल बनाने जा रहे हैं वो वॉल हमारी बाउंड्री वॉल होगी, तो बाउंड्री वॉल यहाँ पे अच्छी नहीं दिखेगी, तो मतलब ये 10 फीट की वॉल नहीं अच्छी लगेगी। ये रीड नहीं कर रहा है, अब देखिए रीड, ये देखिए अभी रीड कर लिया, तो अच्छे से जब कर्सर समझ आ जाएगा तो रीड कर लेता है। तो आप थोड़ा सा इसमें इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे हम वॉल लगाएंगे, बट यहाँ पे वॉल लगाने के लिए हम छोटी वॉल बनाएंगे 3 फीट या 5 फीट की, और यहाँ पे एक बड़ा सा मेन गेट बनाएंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे सबको, किसी एक व्यू में जाएंगे लेफ्ट राइट, और यहाँ पर जाके इसको सबको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके कॉपी कमांड ले लेंगे यहाँ से। और कॉपी कमांड लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट को क्लिक करेंगे। ओ नो, आपको पता है मैंने एक गड़बड़ी की, क्या मैंने स्लैब नहीं डाला, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना स्लैब के हो, तो फटाफट पहले स्लैब डाल दीजिए फिर इसको इस स्टेप पे ले जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी हमने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेने के बाद हमने क्या किया, एक स्लैब यहाँ से उठाया, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने जब प्रेस पुल किया था कम अच्छे से प्रेस पुल हो पाया था, अभी हम और कर देंगे अच्छे से। अभी हमने इसके सीध में ऐसे ले लिया लाइन, इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ से आइसोमेट्रिक में जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव कमांड से इस एक्सिस को पकड़ेंगे, और इस एक्सिस को पकड़ने के बाद 10 फीट इसको मूव कर देंगे ऊपर की ओर। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है मॉडल, अब सिर्फ हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देना है, कितना 6 इंचेस बस। अब यहाँ से किसी भी व्यू में जाइए, लेफ्ट राइट या किसी भी में आपको जिसमें अच्छा लगे उस भी में जाके सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके सभी मॉडल को यहाँ से कॉपी कमांड लीजिए, कॉपी कमांड लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, अब ध्यान से देखिएगा क्या आपका एग्जैक्ट कॉपी हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कहीं और भी कॉपी हो जाता है, बट इस बार अच्छे से बहुत अच्छे से कॉपी हो चुका है। और इसको मैंने रियलिस्टिक व्यू में देखा तो इस तरीके से मॉडल दिख रहा है, ठीक है। हमने इसका ग्रिड को ऑफ कर दिया, इस तरीके से हमारा मॉडल दिख रहा है। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हम यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बनाने वाले हैं, और यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल बनाने वाले हैं, यहाँ एक बड़ा सा मेन गेट लगाएंगे, और यहाँ से एक बालकनी लेंगे छोटी सी, छोटा सा बालकनी आएगा जो इस विंडो और इस डोर से ओपनिंग बाहर की ओर रहेगी, और इधर भी एक छोटी सी बालकनी लेंगे, मीन्स इस स्लैब को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे, टोटल हमारा ये दिमाग में चल रहा है। और उसके बाद ऊपर की ओर एक बाउंड्री लगाएंगे यहाँ पे, मतलब कि आपको एक रेलिंग लगाएंगे, रेलिंग लगा के प्रॉपर कोई रूफ पे जाना चाहे तो जा सके, उसको उसके लिए रेलिंग लगाएंगे। प्लस यहाँ पे हमें एक स्टेयरकेस देना है, तो इतना काम बचा हुआ है जो कि इस पार्ट में मैं नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, जिसमें हम लोग स्टेयरकेस देखेंगे, स्टेयरकेस के साथ यहाँ पे बालकनी देखेंगे किस तरीके से देंगे, बालकनी की रेलिंग, और यहाँ पे टॉप की रेलिंग, और यहाँ पे पैरापिट वॉल और मेन गेट। तो आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, और इस पार्ट के लिए इतना ही रहने देते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मटेरियल वॉल और विंडो और डोर पे भी, मीन्स यहाँ पे तो लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया मटेरियल, बट यहाँ पे वॉल पे लगाएंगे मटेरियल, स्लैब पे लगाएंगे मटेरियल, ये सारा काम भी कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मेरी मेहनत को थोड़ा सा सक्सेस बनाने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, और कुछ लोगों ने शेयर करके नीचे कमेंट किया था कि सर मैंने शेयर कर दिया है, और आप कमेंट अपलोड करिए और भी ज़्यादा वीडियोस, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद, जय भारत।